हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चर क्लासेस। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ सीड डोरमेसी ब्रेकिंग। सो आज के लेक्चर में हम सीड डोरमेसी कैसे ब्रेक करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीड टेक्नोलॉजी क्या है, हम सीड्स को क्यों प्रिजर्व करते हैं, सीड जर्मिनेशन क्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से देखा। तो चलिए आज देखते हैं सीड डोरमेसी क्या होता है और कैसे इसको ब्रेक करते हैं डिफरेंट मेथड में। सो लेट अस स्टार्ट लेक्चर। सो वॉट इज सीड डोरमेंसी? सो मैनी सीड्स फेल टू जर्मिनेट आफ्टर पसिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ सीड्स इन फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन सच एज सीड्स आर कॉल्ड डोरमेंट। सो कुछ सीड्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग के बाद भी और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद भी, जो उनको प्लेसमेंट कर दिया जाता है सॉइल में, उसके बाद भी जर्मिनेट नहीं हो पाते, उन सीड को हम डोरमेंट सीड बोलते हैं। मीन्स इनएक्टिविटी ऑफ सीड्स और फेलियर टू जर्मिनेट इज कॉल्ड डोरमेंसी। इन सम डोरमेंट सीड्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मस्ट टेक प्लेस बिफोर जर्मिनेशन कैन स्टार्ट। सो उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल मीन्स फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल जो स्टेट्स है या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, उनमें कुछ चेंज आता है जिससे उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। वो तो उनकी जो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या आते हैं, उसमें जो जो आउटर कवर होता है, सीड कोट होता है, वो सॉफ्टनिंग होती है उनकी, और जो उसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के इंटेक से, इम्बिबेशन से एक्टिवेट होते हैं जिससे कि जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो जब वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उसके कारण ही सीड डोरमेंट हो जाता है। मीन्स सीड डोरमेंसी जो लैक ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, लैक ऑफ वाटर कह सकते हैं, लैक ऑफ हॉर्मोन्स कह सकते हैं, उन सब के एक्टिविटी के लैक को या उसके जो एक्टिविटी होने के किसी कारण से लैकिंग होती है, उसी से सीड डोरमेंसी होती है। फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द सीड मस्ट अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिफोर ए जर्मिनेशन कैन अकर। फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द सीड मस्ट अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिफोर जर्मिनेशन कैन अकर। तो कुछ पार्ट्स के लिए, उसमें जर्मिनेशन के लिए उसके फिजिकल जो पार्ट्स हैं उनमें चेंज आना जरूरी है। अंडर नेचुरल कंडीशन नेसेसरी चेंजेस टेक प्लेस ग्रेजुअली अंडर वेरिंग कम्बिनेशन ऑफ एरेशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड लाइट। जो नेचुरल कंडीशन होती है जब सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि एरेशन होता है, मॉइस्चर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उसको प्रॉपर लाइट मिलती है, मीन्स ऑल आर फेवरेबल कंडीशन जब उसको अवेलेबल होती है तभी उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। और जब किसी कारण से एरेशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर या लाइट उसको नहीं मिल पाती तो सीड डोरमेंट रह जाता है, वो जर्मिनेट नहीं होता। बाय डुप्लीकेटिंग की कंडीशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इन द लेबोरेटरी और नर्सरी, डोरमेंट सीड्स कैन बी इंड्यूस्ड टू जर्मिनेट विद ए रीजनेबल लाइट ऑफ लेंथ ऑफ टाइम। और जब ये सब नेचुरल कंडीशंस को किसी तरह से नहीं मिल पाती है नेचुरल कंडीशंस में, तो हम उसको डुप्लीकेटली या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें उसको जब हम आर्टिफिशियली जब वो सब कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि हम उसे एरेशन भी करें, उसमें मॉइस्चर भी दें, टेम्परेचर भी दें और रिक्वायर्ड लाइट टाइम पीरियड भी दें, तो उसको हम जर्मिनेट कर सकते हैं प्लांट्स को। देन टू टाइप्स ऑफ सीड डोरमेसी इज अकॉर्ड इन सीड्स। तो टू टाइप्स ऑफ सीड डोरमेसी, सीड कोट डोरमेसी एंड इंटरनल डोरमेसी। सो सीड कोट डोरमेसी मीन्स द सीड्स विद सीड कोट डोरमेसी। सो व्हाट इज दिस सीड विद सीड कोट डोरमेसी? यूजुअली हैव अ सीड कोट दैट इज इम्परमेबल टू ऑक्सीजन और वाटर। जो सीड कोट होता है, सपोज दिस इज अ सीड एंड दिस इज इट्स आउटर कवर, और सीड कोट इज हार्ड, मीन्स इट डज नॉट अलाउ टू पेनिट्रेट द एयर और वाटर इन साइड द एम्ब्रियो। So such kind of dormancy is called seed coat dormancy. Occasionally the dormancy is caused by an inhibiting chemical in the epidermis or adjacent interior membranes. So जब water or air का inhibition होता है उसकी chemical activity को activate करने के लिए, मतलब उसका जो अंदर embryo है, epidermis है, वो activate नहीं होता है due to the lack of oxygen and water. So this kind of dormancy is called seed coat dormancy. Under natural conditions these seed remains on or in the ground without germinating until they have weathered sufficiently. So जब तक उसका जो outer seed coat होता है वो तब तक weather ना हो जाए, या उसको disintegrate ना हो जाए, या वो soft ना हो जाए such an extent so that the air and water can penetrate up to the required membranes, तो वो जनरेट नहीं होता है। टू अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ द वाटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और नेचुरलाइजेशन ऑफ इम्बिशन केमिकल्स। सो जब तक कि वो सॉफ्टर नहीं हो जाता और उसमें पेनिट्रेट नहीं होता तब तक वो जनरेट नहीं होता है।
सो इंटरनल डोरमेसी मीन्स इज द जनरल टर्म कंपेसिंग ए नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट डिले जर्मिनेशन। सो कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती हैं, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो जर्मिनेशन में डिले करता है, डिले हो जाती है। नॉट ऑल दीज कंडीशन आर फुल्ली अंडरस्टूड और इजिली टू काउंट्रैक्ट। तो इन सब कंडीशंस को इजीली अंडरस्टैंड करना या समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर वो इंटरनली डोरमेसी किस कारण से है। फिर भी जो उसमें फिजिकोलॉजिकल चेंजेस है या उसकी इंटरनल कंडीशन है उसके कारण वो नहीं हो पाता है। सो मेथड्स फॉर ब्रेकिंग ऑफ सी डोरमेसी। तो जो मेथड्स हैं डिफरेंट, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड विच आर बींग यूज फॉर ब्रेकिंग द सी डोरमेसी। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स दोज मेथड्स। सो फर्स्ट इज स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन फॉर सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली। सो ये कुछ लेग्यूम फैमिलीज के लिए यूज किया जाता है। सो मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन इज अ टेक्निक फॉर ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ इम्परमेबल सीड कोट। सो जो स्कैरिफिकेशन है वो टेक्निक है जो कि हार्ड कोट के कारण होती है, जिसमें हम स्कैरिफिकेशन यूज करते हैं और इसको जो इम्परमेबल सीड कोट होता है उसको हम परमेबल बनाते हैं। कैसे करते हैं? मैकेनिकली उसको रब किया जाता है, उसको एब्रेशन दिया जाता है मैकेनिकली। सो मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन कैन बी डन बाय रबिंग सीड्स बिटवीन द टू पीसेस ऑफ सैंड पेपर। जो सैंड पेपर्स के बीच में या एमरी स्टोन्स के बीच में हम उसको रब करने के बाद उसको स्कैरिफिकेशन कर सकते हैं, और यूजिंग ए फाइल, ए पिन और ए नाइफ टू रपचर द सीड कोट। जो हार्ड सीड कोट होता है, जो सीड मेम्ब्रेन होती है, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको पेनिट्रेट करने के लिए उसको थोड़ा सॉफ्टन कर सकते हैं यूजिंग फाइल, ए पिन और सैंड पेपर और बाय एमरी स्टोन्स बाय रबिंग इन बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ड सर्फेसेस। सीड में आल्सो बी मिक्सड विद द कोर सैंड एंड शेकन विगरसली इन अ जार। तो हम उसको किसी जार में फिलअप कर सकते हैं और उसे विगरसली मूव कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं, जिससे कि उसके एब्रेजन हो जाए। इवन ए वेस कैन बी यूज टू स्क्वीज सीड्स अलोंग द सेचर अंटिल द दे क्रैक ओपन। सो हम उसको डिफरेंट काइंड से यूज करते हैं क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए उसकी। नेक्स्ट इज हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सो फॉर सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली। सो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है वो भी लेग्यूम फैमिली के लिए ही भी यूज किया जाता है। फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज सीड और लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स द हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज मोर प्रैक्टिकल देन द स्कैरिफिकेशन। जो स्कैरिफिकेशन ज्यादा प्रैक्टिकली जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जो स्कैरिफिकेशन मेथड है वो मैकेनिकल मेथड है और इसमें सीड डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब उसको रब किया जाता है किसी दो हार्ड सरफेस के बीच में तो सीड कॉट के साथ साथ में सीड भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल ओवर फोर्स कम होता है, फोर्स को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, कहीं भी ज़्यादा बढ़ या घट सकता है। तो इसलिए स्कैरिफिकेशन ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है, इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता। फॉर दिस ट्रीटमेंट सीड शुड बी ड्रॉप्ड इनटू अबाउट 6 टाइम्स दियर वॉल्यूम ऑफ 180 to 200 डिग्री फारेनहाइट प्री हीटेड वाटर। सो जो इसमें जो सीड्स हैं उनको किसी हॉट वाटर वॉल्यूम में ड्रॉप किया जाता है और उसको उसको कुछ देर तक रखा जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है द रेन वाटर इज डिजायरेबल इफ इट इज नियर न्यूट्रल इन पीएच। अगर रेन वाटर भी इसमें यूज कर सकते हैं और करना ही चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी इन न्यूट्रल पीएच, इट शुड बी 7 पीएच। दे शुड बी लेफ्ट टू कूल एंड सोक इन वाटर फॉर 12 to 24 आवर्स। तो इसको ठंडा कर देना चाहिए, रखना चाहिए कोल्ड वाटर में, सोक करना चाहिए 12 से 24 घंटे तक, आफ्टर विच दे आर रेडी फॉर स्विंग, और उसके बाद इसको सोक करना चाहिए। द कंटेनर यूज फॉर दिस ट्रीटमेंट शुड नॉट बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम एज इट मे बी टॉक्सिक टू द सीड्स। तो ये टॉक्सिक हो सकता है अगर ये कंटेनर एल्यूमिनियम का हो, सो इट शुड बी अवॉइडेड दैट देर शुड नॉट बी कंटेनर ऑफ एल्यूमिनियम। सो ड्राई हीट, ओवन और ड्राई हीट इज नॉट ऑफन रिकमेंडेड। सो ड्राई ओवन हीटिंग जो रिकमेंडेड नहीं है एंड द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आर मोर सुटेबल टू एन इनक्यूबेटर एंड ए किचन ओवन। तो इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल है वो इनक्यूबेटर होना चाहिए या फिर किचन ओवन होना चाहिए। फॉर दिस सीड कोट ट्रीटमेंट द सीड शुड बी प्लेस्ड इन शेलो कंटेनर्स इन ए प्री हीटेड इनक्यूबेट और ओवन। तो इसमें जो सीड्स हैं उनको इनक्यूबेटर में रखना चाहिए। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड द ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द स्पीसीज। सो डिफरेंट स्पीसीज पर डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर और कितना ड्यूरेशन के लिए उसको रखा जाना चाहिए। आफ्टर ट्रीटमेंट द सीड शुड बी कूल्ड इमीडिएटली एंड सोन। तो ट्रीटमेंट के बाद इसको कूल करके इमीडिएटली सो कर देना चाहिए। वेयर द टेम्परेचर सजेस्टेड इज बिटवीन 180 to 212 डिग्री फारेनहाइट। तो उसमें 180 to 212 डिग्री फारेनहाइट के बीच में रिकमेंड किया गया है। सो नेक्स्ट इज फायर मेथड।
इंग्लिश मेथड सीड्स ऑफ सम जिनेरा हैव टफ थिक सीड कोट्स एंड जर्मिनेशन बेस्ट वैन सब्जेक्टेड टू द हीट ऑफ फायर। सो कुछ ऐसे होते हैं सीड को बहुत ही हार्ड होते हैं तो उनको जर्मिनेट करना डिफिकल्ट होता है, और उनकी इजीली जर्मिनेशन तभी होती है जब उसको फायर में एक्सपोज किया जाता है। फॉर दिस ट्रीटमेंट द सीड शुड बी सोन इन ए इन द फॉल इन स्लाइटली मोस्ट मॉइस्ट मीडियम बट नॉट वाटर्ड। तो इसको स्लाइटली मॉइस्ट मीडियम में रखा जाता है, ना कि पूरे वाटर्ड में। ए लेयर ऑफ ड्राई पाइन नीडल्स और एक्सक्लेसर्स 4 to 6 inch डीप शुड बी प्लेस्ड ओवर द टॉप ऑफ द सीड बेड। सो जो पाइन नीडल्स होनी उन सबको रखा जाता है जिससे कि उसमें हीट प्रॉपरली मिल सके। 4 to 6 inch डीप होना चाहिए। ए फ्यू स्मॉल पीसेज ऑफ वेटेड पेपर विल हेल्प टू इग्नाइट द मटेरियल। सो वेटेड पेपर रखना चाहिए जो कि इसको इग्नाइट होने में हेल्प करेगा। 1 or 2 strips ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल प्लेस्ड ओवर द एक्सपोज एज ऑफ वुड कंटेनर विल प्रिवेंट फ्रॉम द बर्निंग। सो एल्यूमिनियम फॉयल रख देना चाहिए जो कि इसको बर्निंग को प्रिवेंट करेगा कंटेनर को। एंड प्लास्टिक कंटेनर शुड नॉट बी यूज, प्लास्टिक कंटेनर नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट आर ऑफन यूज टू ब्रेक डाउन द स्पेशली थिक इम्परमेबल सीड कोट्स। ये भी थिक सीड इम्परमेबल सीड कोट्स को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सिंस सीड प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विल बिकम चारकोल इन टाइम। सो कुछ देर में चारकोल बन जाता है क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका जो सीड कोट होता है वो जल जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द सीड एंड द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ सीड सोक आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कितने टाइम के लिए सोक करना है और कितने टाइम कितना कंसनट्रेशन रखना है और क्या टेम्परेचर होना चाहिए वो सीड डिपेंडेंट होता है। दस एसिड शुड बी यूज एट रूम टेम्परेचर। सो एसिड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ फ्यू मिनट टू सेवरल आवर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। सो फ्यू मिनट से सेवरल आवर के बीच में हो सकता है। सीड शुड बी इमर्स इन सीड एसिड इन ए ग्लास चाइना और अर्थवेयर कंटेनर। तो इसको चाइना ग्लास और चाइना डिशेज और ग्लास और अर्थवेयर में ही रखना चाहिए क्योंकि जो मेटालिक कंटेनर्स होते हैं वो इरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका गल जाते हैं। हाउएवर टू मच स्टीरिंग विल कॉज द एसिड टू हीट अनडिजायरेबल। सो उसको टू मच स्टीर नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टीर करने से एसिड में रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि स्टीरिंग से टेम्परेचर में चेंज आता है। द सीड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एसिड जस्ट बिफोर एनी सीड पेंटेड द सीड कोट। तो सीड्स को एसिड से जल्दी रिमूव कर लेना चाहिए क्योंकि जो एसिड है वो उसकी एम्ब्रॉयर के अंदर पेंटेड ना हो पाए। अदर केमिकल्स। सो अदर केमिकल्स विच आर बींग यूज फॉर द ब्रेकिंग ऑफ डोरमेसी। सो दीज आर जिबरेलिन एसिड दैट इज GA3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड थायूरिया। सो द एक्वा सोल्यूशन ऑफ दीज केमिकल्स शुड बी यूज एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पर यूज करना चाहिए। द कंसेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द स्पीसीज टू बी ट्रीटेड। सो कितना टाइम के लिए उसको और कितने कंसेंट्रेशन में रखना है दैट डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑफ द सीड्स। सीड सोक्ड इन GA3 और थायूरिया शुड बी स्टीर्ड ओकेजनली एंड नॉट रीजन आफ्टरवर्ड द अनलेस स्पेसिफाइड बट सोन इमीडिएटली। तो इनको रेजन नहीं करना चाहिए, मीन्स उसको सोक नहीं करना चाहिए, रखना नहीं, फूलने नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेसिफाइड टाइम के लिए रखना चाहिए और उसको इमीजिएटली सोक कर देना चाहिए। आफ्टर दिस सोकिंग दिस दे कैन ऑल्सो बी एयर ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर द शॉर्ट पीरियड। इनको एयर ड्राई कर सकते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। देन सोन और गिवन ए सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। या तो सोक कर देना चाहिए या उसके बाद कोई ट्रीटमेंट बचा है तो वो देना चाहिए। द नो राइजन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो अप्लाइज टू यूज ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो जो नो राइजन आफ्टरवर्ड होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात नहीं करना चाहिए। अदर केमिकल ओकेजनली रिकमेंडेड एज एड्स टू जर्मिनेशन। और कोई केमिकल जो ऐसा हो जो जर्मिनेशन में हेल्प करे उसको इसके बाद यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मल्च। सो मल्च ट्रीटमेंट मीन्स जो भी बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल मटेरियल होता है हम उसको अप्लाई करते हैं सीड्स के ऊपर, जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस पर पैदा हो जाते हैं, उसमें वो सीड कोट जो हार्ड होता है उसमें एक्ट करते हैं, उसमें जो उसकी सॉफ्टनिंग करते हैं जिससे एयर एंड वाटर पेनिट्रेट हो पाता है, ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट इज वाटरफॉल। ओकेजनल स्पीसीज हुज सीड्स कोट कंटेन ए रीडली वाटर सोलेबल। इनके सीड कोट वाटर सोलेबल होते हैं, जो वाटर से डिग्रेड हो जाते हैं उनको उसमें रखा जाता है और जिससे इनकी जो सोकिंग हो जाए और उसमें वाटर और एयर का सर्कुलेशन हो जाता है और डोरमेसी ब्रेक हो जाती है। कोल्ड स्कैरिफिकेशन और प्री चिलिंग। तो कोल्ड स्कैरिफिकेशन मीन्स कि उसको प्री चिलिंग किया जाता है एट वेरी लोअर टेम्परेचर्स। फॉर सीड्स विद इंटरनल डोरमेसी स्टिमुलेट
कोल्ड विंटर कंडीशंस। तो जो कोल्ड विंटर कंडीशंस होती है उनमें स्टिमुलेट करता है द एम्ब्रॉय ऑफ मैनी सीड्स फॉल्स टू जनरेट बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट डिफ्यूज थ्रू द सीड कोट। तो बहुत से एम्ब्रॉयज में जो सीड जो होता है कोट में, सीड कोट में से ऑक्सीजन पेनेट्रेट नहीं होती है, उसका डिफ्यूजन ना होने के कारण वो जनरेट नहीं हो पाते। एट कोल्ड टेम्परेचर मोर ऑक्सीजन सोलेबल इन वाटर। लेकिन होता क्या है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन सोलेबल ज़्यादा हो जाती है वाटर में। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें जो वाटर सोलेबल हो जाती है, वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन सोलेबल हो जाती है और उस ऑक्सीजन उस तक पहुँच जाती है। द कोल्ड मॉइस्ट स्ट्रेटिफिकेशन इंटीमेट ओवर वेदरिंग इन द फील्ड सीड सीड बेड। वार्म स्ट्रेटिफिकेशन, तो वार्म स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इसमें जो हम हॉट वाटर को इसमें या वार्म वाटर को यूज करते हैं, सेम एज चिल्ड और प्री चिलिंग। द एक्सपोजर ऑफ सीड टू मॉइस्ट वार्म कंडीशन एट रूम टेम्परेचर अबाउट 65 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव इज कॉल्ड अ वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। समटाइम्स दिस ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर सीड्स विद इंटरनल डोरमेसी टू फैसिलिटेट आफ्टर राइपनिंग ऑफ द एम्ब्रॉय। सो कभी कभी ये आफ्टर राइपनिंग भी यूज किया जाता है। इन दिस केस इट इज फॉलोड बाय द कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन जब राइपनिंग के बाद होता है तो इसको इसके बाद कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन भी किया जाता है। ओकेजनली इट इज यूज टू लीव ऑफ द एसिड ट्रीटमेंट फॉर द सीड कोट डोरमेसी। इट ऑल्सो मे बी यूज इन इंटरमीडिएट स्टेज इन द मल्टीपल डोरमेसी ट्रीटमेंट। तो जब बहुत सारी मल्टीपल डोरमेसी स्टेजेस, सपोज हमने पहले स्ट्रेटिफिकेशन स्कैरिफिकेशन किया, उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम इसे भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जरूरी नहीं कि अगर हम ये दोनों प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बीच में वार्म स्ट्रेटिफिकेशन होना चाहिए, किसी भी दो के बीच में चाहे तो उसको ले सकते हैं। देन फोटोकेमिकल डोरमेसी। तो फोटोकेमिकल मीन्स जो लाइट सेंसिटिव होती हैं उसके रिलेटेड है। सीड्स ऑफ सम स्पीसीज आर लाइट सेंसिटिव एंड मस्ट रिसीव लाइट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो बहुत से जो सीड्स हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, हमें लाइट पड़नी जरूरी होती है। द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट एज रिसीव्ड बाय सीड फोटो इन रिसेप्टर्स इंटरेक्ट विद द अवेलेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर टू कंट्रोल द जर्मिनेशन। तो जब सीड लाइट इंटेंसिटी उस पर पड़ती है, लाइट पड़ती है सीड्स पर, तो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के साथ में इंटरेक्ट करती है, उस जर्मिनेशन को एनहेंस करती है। व्हेन लाइट एंड टेम्परेचर आर ईच पार्शियली इनहिबिटरी द इफेक्ट कैन बी सिंजरेटिक। द फर्स्ट 36 to 72 आवर्स ऑफ जर्मिनेशन इज क्रिटिकल पीरियड। तो 36 to 72 आवर्स तक क्रिटिकल जर्मिनेशन पीरियड होता है। द फोटोकेमिकल डोरमेसी इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स एंड यूजली डिसअपियर नेचुरली विद एज। सो जो फोटोकेमिकल होती है, जो डरमेसी होती है, वो फ्रेशली हार्वेस्टेड में ज़्यादा होती है और एज के साथ में खत्म हो जाती है। वेन जर्मिनेशन जर्मिनेटिंग सीड्स इनडोर्स इन ऑर्डर टू ब्रेक फोटोकेमिकल डोरमेसी ए कूल वाइट फ्लोरोसेंट लाइट सोर्स ऑफ 75 to 125 फुट कैंडल्स और 750 to 1250 लक्स फॉर 8 आवर पर डे कैन बी यूज। अगर इस तरह की जो जर्मिनेशन जो इंडोर होता है तो उसमें फ्लोरोसेंट लाइट का यूज़ कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर, में हमने सीड डोरमेसी के बारे में देखा, कैसे सीड डोरमेसी को ब्रेक करते हैं, इसके मेथड्स के बारे में देखा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आप हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट advancedagriclasses.com पर जाकर IBPS AFO के लिए दिए गए डेमो टेस्ट सीरीज फ्री ले सकते हैं, और इसके बाद हम जल्दी डेमो टेस्ट लेके आएंगे जो कि आपको फ़ायदा करेगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे 8888236316 नंबर पर मैसेज करें, हम आपको लिंक देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।